आयशा ने अरमान को शिमला आने का न्योता दिया और अपने रिश्ते को टूटने से बचाने का एक और मौका दिया। आयशा ने यह बात बुआ को बताई। बुआ ने आयशा के सिर पर हाथ रखकर कहा, मैं जानती थी कि तुम अरमान से जितना चाहे नाराज हो जाओ, लेकिन उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। अच्छा चलो अब, आयशा ने पूछा, कहां जाना है अब? बुआ ने कहा, शॉपिंग करने को। आयशा ने पूछा, लेकिन शॉपिंग क्यों? तब बुआ ने कहा, क्यों का क्या मतलब है? ऐसे बोरिंग कपड़ों में जाओगी अरमान के साथ डेट पर? आयशा ने कहा, अरे बुआ क्या आप भी, अब ये डेट थोड़ी है, ये तो सिर्फ। बुआ ने कहा, चुप, कोई बहस नहीं करेगा मेरे साथ, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और अभी जा रहे हैं। ये कहकर बुआ ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे शिमला के एक शॉपिंग मॉल में लेकर गई और वे दोनों एक के बाद एक खूबसूरत ड्रेसेस देखने लगे और एक के बाद एक ट्रायल करने लगे। नए नए ड्रेसेस ट्राई करते हुए आयशा कुछ देर अपना सारा दुख भूल गई। बुआ के साथ शॉपिंग पर जाकर उसे वो दिन याद आ गए जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए आयशा को एक ड्रेस खरीदना था और अरमान के साथ शॉपिंग करने निकली थी। आयशा और अरमान कॉलेज बंक करके अरमान की बाइक पर बाहर शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे। अरमान आयशा को शिमला के एक से एक दुकानों में लेकर गया जहां पर आयशा खूबसूरत ड्रेसेस ट्रायल कर रही थी, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज हो जा रही थी। वो जो भी ड्रेस ट्राई करके बाहर आकर अरमान को दिखाती, अरमान उन सभी ड्रेसेस को देखकर यही बोलता, वाओ वेरी प्रिटी, बहुत अच्छा है ये ड्रेस। और आयशा कहती, हाँ अच्छा तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, मैं दूसरी कुछ ड्रेस देखकर फिर डिसाइड करती हूँ। अरमान उसके लिए भी सर हिलाकर हाँ में जवाब दे देता। कई दुकानों में कई ड्रेसेस ट्राई करने के बाद आयशा ने अरमान से कहा, क्या अरमान कब से एक ही डायलॉग मारे जा रहे हो, वेरी प्रिटी कुछ और भी तो कहो। अरमान ने कहा, अरे अब जैसी लग रही हो वैसा तो कहूंगा। आयशा ने मुंह सड़ाते हुए कहा, तुम्हें तो शॉपिंग के लिए लाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हो तुम। ये कहकर आयशा बाहर चली गई। अरमान हंसते हुए एक ड्रेस खुद अपने ऊपर पहनकर उसके पीछे भागा और आयशा को बोला, और मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूं? आयशा उसे देखकर जोरों से हंसने लगी। अरमान के वो ड्रेस पहनने पर ड्रेस थोड़ा सा खींच गया था, इसलिए दुकानदार उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा था। दोनों को आखिरकार वो ड्रेस खरीदना ही पड़ा और दोनों चुपचाप दुकान से बाहर आए और वहीं पर सीढ़ियों पर बैठकर जोरों से हंसने लगे। ये याद करते हुए आयशा के मुंह पर एक मुस्कान आ गई और अपना ड्रेस ट्राई करते हुए हंसने लगी। चाइल्ड रूम के बाहर खड़ी बुआ आयशा को अंदर हंसते हुए सुनकर उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई और ट्रायल रूम के दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, अरे पगला गई है क्या? अपना ड्रेस खरीदने के बाद आयशा बुआ को लेकर एक दूसरी दुकान पर गई और उसने बुआ से कहा, अरमान के लिए भी कुछ कपड़े ले ले, मुझे पता है वो पागल वही पुराने कपड़े पहन कर आएगा, वही उसकी प्यारी ब्लू जीन्स और रेड चेक शर्ट, पता नहीं क्या सुख मिलता है उसे वो पहनकर, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो व्हाइट शर्ट में कितना अच्छा लगता है, उसके लिए व्हाइट शर्ट खरीद लेते हैं, कल उससे बोलूंगी कि वही पहने। आयशा के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बुआ ये देखकर खुश हुई। बुआ ने अपने मन में सोचा, मुझे पता था कि शिमला आकर आयशा शांत हो जाएगी, मैं गलत नहीं थी, बस अब कल अरमान आ जाए और इन दोनों के बीच में फिर से सब ठीक हो जाए। उस तरफ आश्रम में अरमान भी आयशा को मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने जाकर अभिलाषा को कहा, माँ तुम ठीक कहती थी कि आयशा का गुस्सा शांत होते ही सब ठीक हो जाएगा, उसका फोन आया था मुझे, मिलने के लिए शिमला बुला रही है। अभिलाषा ने कहा, एक औरत की मन की बात एक औरत ही जान सकती है, हम औरतें बिना वजह गुस्सा भी नहीं करती और जब गुस्सा करती है तो बहुत ज्यादा देर तक गुस्से में रह भी नहीं सकती। अरमान ने कहा, ठीक है मैं अभी तैयारी करता हूँ वहां पर जाने की। ये कहकर अरमान अपने कमरे में तैयारी करने के लिए चला गया, लेकिन तभी सुरभि पीछे से आई और अभिलाषा को कहने लगी, आपको उसे इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। इतनी भी क्या अकड़ है उस आयशा को,
खुद छोड़कर गई थी तो खुद लौट कर नहीं आ सकती? अरमान को अपने पास बुलाने का क्या मतलब, और वो भी इतनी दूर, शिमला? खुद तो अपनी राक्षसी बुआ के साथ दिव्य रास्ते से होकर गई थी, और अरमान इतनी दूर यात्रा करके जाएगा? अभिलाषा, जो सुरभि के माया जाल में पहले से ही फंस चुकी थी, उसे सुरभि की ये बात भी सच लगी और उसने कहा, बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन मैं अब अरमान को नहीं रोक सकती। ये कहकर अभिलाषा बाहर चली गई। उस तरफ वेदिका जैसे ही स्वर्गलोक पहुंची, उसे वहां आते देख देव सैनिक सतर्क हो गए। वेदिका को देखकर उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये देव या दानव नहीं बल्कि एक गंधर्व कन्या है। इस गंधर्व कन्या को किसी भी सैनिक ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनमें से एक सैनिक भीतर की ओर दौड़ा और राजन देव तक पहुंचकर बोला, देव, बाहर एक गंधर्व कन्या पृथ्वी से हमारी चौखट पर आई है, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, क्या उसे आने दिया जाए? ये सुनते ही राजन देव को पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही द्वीप वाली गंधर्व कन्या है जो विजयदेव से युद्ध ना करने की प्रार्थना करने आई थी। ये सुनकर राजन देव ने कहा, हाँ आने दो। वेदिका के हाथ में एक पत्र था जो वो कालनाथ ने उसे दिया था। वो बहुत निराश थी क्योंकि उसके साथ कालनाथ ने फिर से छल किया और उसे अपनी सहायता करने के लिए उसका उपयोग किया। ये बात वेदिका को अंदर से खाए जा रही थी। वेदिका की नजरें जमीन की तरफ ही गढ़ी थी। कुछ कदम चलकर वो राजन देव के पास गई और उसने वो पत्र राजन देव को दिया। ये क्या है, किसके लिए है, राजन देव ने पूछा। वेदिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजन देव उसके ऐसे व्यवहार को देख चकित थे। उन्होंने पत्र खोला और सबके सामने पढ़ना शुरू किया। सभी देवता गणों को कालनाथ का प्रणाम। आपके प्रिय विजयदेव इस समय हमारे अतिथि सत्कार का आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने हमारे निवास स्थान में आकर हमारे यंत्र को तोड़ने का कार्य किया था, जिसकी वजह से हमें उन्हें हमारे आतिथ्य का दर्शन करवाना पड़ा, और हमारी इच्छा है कि हम उन्हें हमेशा के लिए हमारे पास रखें। लेकिन आप चाहे तो अपने प्रिय विजय देव को अपने साथ देवलोक पर लेकर जा सकते हैं। ये सुनते देवलोक में शांति टूटी और सब लोग एक दूसरे से खुशी में बातें करने लगे। पर राजन देव ने स्वर ऊंचा कर पत्र पढ़ना जारी रखा, पर इसके बदले में हमें आपकी दिव्य शक्ति का अंश हमें दे दिया जाए। अगर देवलोक को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो चिंता का कोई विषय नहीं, अगली बार वेदिका के हाथ हो हम विजयदेव का शीश भेज देंगे उपहार के तौर पर। हमारी आपसे विनती है कि इसका उत्तर देने में अधिक विलंब ना करें, क्योंकि हमारे दानवों ने किसी भी देव को मृत्यु दंड मिलते हुए कभी नहीं देखा, और आपसे अधिक विलंब होने पर हम हमारे दानवों की ये इच्छा पूरी करने में हिचकिचाएंगे नहीं। आपका प्रिय कालनाथ। पत्र समाप्त होते ही सारे देवों के बीच एक बहस छिड़ गई। दिव्य शक्तियां, उन्हें? जब उनके पास कोई शक्ति नहीं थी तभी वे इतनी बड़ी योजना बनाकर सृष्टि का नाश करना चाहते थे, किसी ने पीछे से कहा, और शक्तियां आ जाने के बाद पता नहीं क्या करेंगे, किसी और ने वाक्य पूरा किया। कीमत चाहे कुछ भी हो, विजयदेव का जीवित रहना आवश्यक है। सबने एक स्वर में सहमति जताई। विजयदेव के नेतृत्व में हमने कई बड़े छोटे युद्ध जीते हैं। उनकी कूटनीति के कारण कई बार बिना रक्त बहे हमने युद्ध जीते हैं, किसी ने कहा। विजयदेव के जीवन के बदले ये कीमत बहुत छोटी है। ये सुनते ही सबने एक स्वर में हामी भरी। विजयदेव का देवलोक में ना होना राजन देव के लिए लाभकारी था। राजन देव को बिना मांगे ही विजयदेव की पदवी मिल सकती थी, इसलिए राजन देव कहीं ना कहीं मन से नहीं चाहते थे कि विजयदेव टापू से मुक्त हो। राजन देव ने मन ही मन कहा, यही मौका है मेरे पास देवलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का। विजयदेव के कारण मैं कभी भी बड़ा पद हासिल नहीं कर पाऊंगा। वैसे राजन देव ने सारी बहस शांति से बिना कुछ कहे सुनी, पर सारे देवलोक को विजयदेव की मुक्ति के पक्ष में जाता देख वे सतर्क हो गए और उन्होंने सबकी बात काटते हुए ऊंचे स्वर में कहा, विजयदेव देवलोक के एक अत्यंत लोकप्रिय, सम्मानित और मूल्यवान देवता है। उन्हें खोने की कल्पना देवलोक कर भी नहीं सकता। मैं स्वयं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूं,
लेकिन अगर कालकोन दानवों के पास फिर से दिव्य शक्तियां आ जाती है तो भविष्य में वे स्वर्ग लोक पे हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं कालकोन के राक्षसों की वजह से हमने युद्ध में इतने देवगण खो दिए, इतना रक्त बह गया। उन्हें शक्तियां प्रदान करना मतलब पृथ्वी लोक और देवलोक इन दोनों को सीधा खतरे में डालना होगा। आज अगर खुद विजय देव यहां होते तो इस बात से सहमत होते और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देवलोक और पृथ्वीलोक की सुरक्षा के लिए दे देते। मुझे लगता है कि उनका प्रस्ताव कदापि माननीय नहीं है। देवों के उस भीड़ में एक देव जिसका नाम कपिल था, वो जानता था कि राजन देव बहुत धूर्त है। उसने सोचा, राजन देव जो कह रहे हैं वो गलत है, मुझे बिना देर किए अरमान को सारी बात बतानी होगी। अगर मैंने शीघ्रता नहीं की तो राजन देव अवश्य कोई अनर्थ कर बैठेंगे। ये सोच कपिल देव चुपके से सभा से बाहर निकला और अरमान को ये बात बताने के लिए स्वर्गलोक से निकल गया। उस तरफ शिमला में आयशा अपनी और अरमान की डेट की तैयारियां कर रही थी। आयशा ने एक छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत कैफे सिर्फ अपने और अरमान के लिए बुक कर लिया था। वो कैफे आयशा के कॉलेज के ही कुछ एक्स स्टूडेंट्स ने मिलकर खोला था, इसलिए वो लोग अरमान और आयशा दोनों को जानते थे। और जब उन्हें ये बात पता चली कि आयशा अरमान के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए ये सब कर रही थी, तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से पूरे कैफे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया। छोटी छोटी लाइट्स, कैंडल्स, हल्का सा म्यूजिक, सामने शिमला की वादियों का खूबसूरत दृश्य देख सके, ठीक वैसी जगह पर टेबल अरेंज करके रख दिया और अपनी तरफ से आयशा और अरमान के लिए एक छोटा सा केक भी अरेंज कर दिया। उस कैफे के मालिक ने आयशा से कहा, तुम दोनों से हमने कभी बात तो नहीं की, लेकिन हाँ, तुम दोनों कॉलेज में बहुत फेमस थे। और आयशा, तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियां हैं वो सब यहाँ पर दूर हो जाए, उसके लिए तुम जो कर रही हो उसमें ये हमारा बस एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे इस कैफे में तुम दोनों अगर एक साथ कुछ अच्छे पल बिताओगे तो। आयशा ने उन दोनों को गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच गाइस, सच में तुम दोनों के पास इस खूबसूरत कैफे के साथ साथ एक खूबसूरत दिल भी है। अरमान को भी ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। ये कहकर आयशा ने डेट की तैयारियां पूरी कर ली और अब उसे सिर्फ रात का इंतजार था। उधर अरमान आयशा से मिलने की तैयारियों में लगा हुआ था। अरमान मन ही मन काफी खुश था क्योंकि इतने दिनों से चल रहे मनमुटाव के बाद आज जाकर सारी चीजें उन दोनों में संभलने वाली थी और उसे आयशा के साथ अच्छा समय बिताने का अच्छा मौका मिल रहा था। जब से आयशा से उसकी फोन पर बात हुई, वो यही सोच रहा था कि कैसे सारी गलतफहमी को दूर करके उनके बीच में पैदा हुई दरार किस तरह से जुड़ पाएगी और आयशा के साथ फिर से कुछ यादगार समय गुजरेगा। पैकिंग पूरी होने वाली थी कि दिव्य मार्ग से कपिल देव वहां आ पहुंचे। कपिल देव को देख अरमान अत्यंत खुश और तनिक आश्चर्यचकित हुआ। अरमान ने कहा, अरे कपिल देव, आप यहां कैसे, सब ठीक तो है? पर कपिल देव का निर्जीव चेहरा देख के अरमान ने उनसे पूछा, क्या हुआ, कोई बड़ी प्रॉब्लम है? कपिल देव ने अरमान को सब कुछ बताया, विजय देव द्वारा कालकोंड के राक्षसों पर हमला करना, विजय देव का घायल होकर नीचे गिरना, देवताओं का बहुत बुरी तरह से हार जाना और वहां से भागना, और विजय देव के साथ वहां पर घटित हुई सारी घटना, वेदिका का स्वर्ग लोक आकर कालनाथ का संदेश देना और राजन देव द्वारा विजय देव को बचाने के लिए मना कर देना। इन सारी घटनाओं का वर्णन कपिल देव ने अरमान से किया। ये सुनकर अरमान अत्यंत चिंतित हो उठा। आखिर विजयदेव को अपना गुरु मानता था अरमान, अगर तुमने कुछ किया नहीं अरमान तो शायद विजयदेव। नहीं, अरमान चिल्लाया, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर अरमान क्रोध में कपिल देव के साथ स्वर्गलोक की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने आयशा को मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसे एहसास हुआ कि आयशा अपना फोन आश्रम में ही भूल कर गई थी। अरमान ने बुआ के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की, लेकिन बुआ का फोन कैश काउंटर पर चार्ज हो रहा था और बुआ आयशा के साथ कुछ तैयारियों में व्यस्त थी और फोन साइलेंट पर होने के कारण किसी को रिंग सुनाई भी नहीं दी। अरमान बुआ को मैसेज करने ही वाला था कि पीछे से सुरभि ने आकर अरमान को कुछ बातों में उलझा दिया
जिससे अरमान के दिमाग से मैसेज करना पूरी तरह से निकल गया। इस तरफ आयशा अभी भी अरमान के साथ बिताए हुए पुराने वक्त को दोहराने के लिए तैयारियां कर रही थी, और इस तरह विजयदेव को संकट में पाकर अरमान जल्दी जल्दी में देवलोक की तरफ जाने के लिए निकल गया। क्या आयशा की अरमान के साथ कुछ वक्त बिताने की तैयारियां व्यर्थ होने वाली थी? क्या अरमान ने डेट पर ना जाकर विजयदेव को बचाने के लिए निकल जाना ठीक किया था? कहानी में यह नया मोड़ क्या रंग लाएगा अरमान और आयशा के रिश्तों में? जानने के लिए सुनते रहिए